हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई हो बच्चों होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से। दोस्तों ये देख सकते हो, ये है कुछ नज़ारे जिसपे आरी पैनल लगा दिए जा चुके हैं, ये देख सकते हो। ये पैनल लगाकर काम कर लिया गया है और जो यहाँ पर जो कंपनी वर्क कर रही है वो है दोस्तों गवाहर कंस्ट्रक्शन। तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर। और ये सामने है दोस्तों अक्षरधाम टेंपल, ये वाला, और वहीं पर ये काम चल रहा है। देखो आरी पैनल लगा कर इसमें मिट्टी डालने का काम चल रहा है। अब ये देखो, ये काम चल रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं चल के कि आगे क्या काम हो रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो बने रहिए आप सभी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ये दोस्तों अक्षरधाम का ये मेट्रो स्टेशन है, देखो ये रेड लाइन का स्टेशन है। तो यहाँ तो अभी कोई काम नहीं चल रहा है। इधर भी कोई काम नहीं चल रहा है दोस्तों, अभी बिल्कुल भी दिल्ली देहरादून का। आगे चलते आगे देखते चल के इस जगह बार चल रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो, ये जो आपको बता दो फ्लाईओवर बनाया गया है, ये देखो दिल्ली सहारनपुर हाईवे, ये देखो पूरा ही बन चुका है। आपको बता दो ये रैंप बनाने का काम था, वो कर लिया जा चुका है दोस्तों। अब इसका जो मेन पॉइंट बचा है वो रह गया है, जो इसका अंडर पास है वही रह गया है। बाकी दोनों साइड के आपको बता दूं कि आरी पैनल लगा दिए जा चुके हैं, ये देख सकते हो तस्वीरें। ये सारे में पिलर तो पहले ही बना लिए थे इन्होंने, अब इस पर पियर कैप का काम किया जाएगा, इनको जोड़ा जाएगा, ये देख सकते हो तस्वीरें। और ये आरी पैनल लगा के दोस्तों इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ से ये एलिवेटर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, गीता कॉलोनी के सामने से गवार कंस्ट्रक्शन कंपनी जो वर्क कर रही है दोस्तों, कुछ ये है। और यहाँ पर ये लाइन पहले ही बना दी गई थी, और इधर देख सकते हो देखो कुछ ऐसा बनाया जा रहा है। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दोस्तों, जो कि 12 लेन का होने वाला है, 13,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है दोस्तों। ये देखो फ्लोरिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है इन्होंने, अब गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इसमें फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है।
और ये स्टार्ट हो जाता है गांधीनगर, और गांधीनगर के सामने का ये नज़ारा है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। देखो सारे में पियर कैप बन चुके, जैसे जैसे पियर कैप बनते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ये गाटर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ तक बस एक गाटर लॉन्चिंग पियर कैप बन चुके हैं। अभी ये वाले पियर बचे हुए हैं, ये पियर बन जाने के बाद में फिर ये जो गाटर रखे हुए हैं इनको ऊपर इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों। देखो दोनों साइड में ही रखे हुए हैं ये, अभी तो जो पिलर भर गए हैं मतलब कंक्रीट कर दिए हैं उन पर पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। और इधर देखो ये बचे हुए हैं कंक्रीट भरने के लिए, इनमें भी कंक्रीट भरा जाएगा। और जगह आपको पता ही है दोस्तों गांधीनगर, ये गांधीनगर के सामने का ये नज़ारा है दोस्तों। और जो कंपनी यहाँ वर्क कर रही है वो है गवार कंस्ट्रक्शन। 13,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों। देख लो आप लोग खुद ही अपनी आंखों से, अभी ये पियर नहीं भरे गए हैं, इन पर फाउंडेशन तो बन गया है और फाउंडेशन बना के और इसका सरियाओं का जाल भी बन चुका है दोस्तों। और ये गांधीनगर की रेड लाइट आ जाती है, देखो दो पियर ये हैं जिनका फाउंडेशन बन के कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो अब ये इधर से घूम जाएगा इस साइड में दोस्तों, यहाँ पर देखो ये पिलर बनाया जाएगा। देखो फाउंडेशन अब ये करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे पहले। देखो दोस्तों अब इसमें अंदर पाइलिंग तो कर दिया है इन्होंने, और पाइलिंग के देखो क्या पिलर हैं, 1 2 3 4 पिलर हैं दोस्तों। और ये 4 पिलर अब इनका ये भी तोड़ दिया जा चुका है, अब इसमें फाउंडेशन का काम किया जाना है दोस्तों। और ये जो जगह है ये है दोस्तों गांधीनगर, वो पिलर उधर के बन चुके हैं उस साइड के, अब ये इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा। तो इधर भी ये पिलर बना दिए हैं और ये रेलवे लाइन को क्रॉस करके और फिर ये शास्त्री पार्क में एंटर हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है कंपनी भी आप लोग देख लो, क्योंकि कंपनी के बोर्ड लगे हुए हैं। ये देखो गवार कंस्ट्रक्शन लग रहे हैं ना, देखो इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, इस पर एक पिलर बनाने के बाद में फिर ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीरें, यहाँ से ये क्रॉस कर देगा इस रेलवे लाइन को, और पुराना ब्रिज वो वहाँ पर बना हुआ है वो भी अभी नया बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसका मैंने अपडेट दिया था आप सभी को। तो अभी देखो पाइलिंग करके और इसमें कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों, कंक्रीट भर देने के बाद में फिर इसमें पियर कैप बनाए जाएंगे दोस्तों। चलते हैं आगे शास्त्री पार्क का दिखाते हैं चल के आप सभी को। देखो कुछ ऐसे क्रॉस करेगा, इसमें सारे में ही गाटर ही गाटर रखे हुए हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे और पुराना ब्रिज आपको भी दिखाते हैं। आगे है पुराना ब्रिज, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पुराने ब्रिज के लिए तो आप लाल कुएं के लाल किले की साइड में इधर चले जाएंगे लेफ्ट में, तो हमें जाना है राइट में दोस्तों। यहाँ से हम हो जाएंगे राइट, देखो बोरा पुराना ब्रिज लोहे का। अब इसके बगल में ही नया ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये नया ब्रिज है जिसका मैंने अपडेट दिया था कुछ महीने पहले आप सभी को, और दोबारा अपडेट आने वाला है आप सभी के बीच में। तो कितना बन गया है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे चल के आगे। तो चलते हैं शास्त्री पार्क के लिए। देखो दोस्तों वो पाइलिंग मशीन लगी हुई है, वो पाइल कर रही है और इधर से ही घूमेगा। देखो एक ये मशीन लगी हुई है जैसे यहाँ पर पाइल कर दिया इन्होंने। देखो ये सारे में ही पाइल कर चुका है, और पाइल कर देने के बाद में दोस्तों देखो ये पाइल मशीन लगी हुई है जो कि वर्क कर रही है अभी इस टाइम पे। ये शास्त्री पार्क स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और शास्त्री पार्क में देख सकते हो सारे पियर बनके बन चुके हैं, इनका पाइल भी कर दिया। देखो ये पिलर है इसका पाइल किया जा रहा है दोस्तों, और फिर यहाँ से ये देखो फाउंडेशन बना के और ये लोहे के सरिया खड़े कर दिया, लोहे का जाल बनाया जाएगा अब इस पर। और दोस्तों इस पर अब क्या है, इस पर रिंग लगाए जाने हैं इन पर, और रिंग लग जाने के बाद में फिर इस पर कंक्रीट से भर दिया जाएगा दोस्तों।
तस्वीरें देख सकते हो, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नज़ारे दोस्तों, के अभी कितना टाइम लगेगा क्योंकि इसमें सन 2024 में इसमें कंप्लीट करके देना है दोस्तों इन्हें। तो दो आपको बता दूं कि शास्त्री पार्क में देखो ये दो पिलर पे कंक्रीट भर दिया जा चुका है दोस्तों, अब इन पे पियर कैप बनाए जाएंगे और कंस्ट्रक्शन यार्ड ये है इनका। तो ये सारे फाउंडेशन बना के, और आपको बता दूं कि ये सरियाओं का जाल बना के खड़ा कर दिया इन्होंने, अब इसमें रिंग लगाए जाने, और रिंग लग जाने के बाद में दोस्तों इसमें कंक्रीट से भर दिया जाएगा। ये शास्त्री पार्क दोस्तों क्रॉस हो चुका है, अब यहाँ से ये चला जाता है कहाँ के लिए, कश्मीरी गेट के लिए, इधर गाजियाबाद के लिए चला जाता है मेरे राइट में, यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है। देखो दोनों साइड के नज़ारे देख सकते हो आप सभी, इधर के भी पिलर बन चुके हैं और इधर के भी देखो पियर कैप पहले ही बन गया था, यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो। ये देखो जो कि अब पिलर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं चल के कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है। जो मैन है वो यहाँ से है दोस्तों, देखो सारे अभी पियर कैप। ये आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा तो हमें सब्सक्राइब कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब होता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी।